न्यू ब्रथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आर्मेनिया के बारे में। एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक है। आर्मेनिया के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियो बन चुकी है। आप कैसे आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करोगे और आर्मेनिया क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, आर्मेनिया में कैसे बिजनेस सेटअप करोगे, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज बना चुका हूँ। पहला आज का टॉपिक मैं आपको बताऊँगा। आर्मेनिया फिलहाल कुछ मंथ से काफ़ी सारे प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर रहा है। आर्मेनिया इंडिया टू आर्मेनिया शिपमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स भी नहीं है, डायरेक्ट शिपमेंट भी नहीं है उनका। आर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है और आर्मेनिया का जो चारों बाजू में अलग अलग देश है, नॉर्थ में है जॉर्जिया रशिया, साउथ में है ईरान, वेस्टर्न पार्ट में है टर्की एंड ईस्ट में है अजरबैजान। तो टर्की और अजरबैजान के साथ उनका ट्रेड बंद है बिकॉज पॉलिटिकल प्रॉब्लम के वजह से। ओनली ईरान के साथ ट्रेड है, जॉर्जिया रशिया के साथ ट्रेड है। आर्मेनिया में करीब फिलहाल 40,000 इंडियंस पहुंच चुके हैं, वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो इंडियंस का वहां पर पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। आर्मेनिया में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ पर स्टूडेंट भी जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं। इसीलिए जितने जो जो कंट्री में इंडियंस का पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ेगा। वैसे ही आर्मेनिया में बहुत सारे सुपरमार्केट्स खुल गया है, इंडियंस लोगों ने इन्वेस्ट किया। सुपरमार्केट्स ग्रोसरी फूड प्रोडक्ट का ट्रेडिंग कंपनी काफ़ी सारे खुल चुका है आर्मेनिया में। लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था, आर्मेनिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में बताया था, आर्मेनिया में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडियंस का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। इसलिए आपने जो भी कोई जाकर आर्मेनिया में इन्वेस्टमेंट किया अभी वो फ़ायदा में हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर होटल्स रेस्टोरेंट्स मोटेल्स रिसोर्ट्स खोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भी आ रहे हैं, टूरिस्ट अराइवल बढ़ रहा है। हर साल में मिलियंस के वो टूरिस्ट आ रहे हैं, 40,000 इंडियंस पहुंच चुके हैं। इंडियंस का अराइवल टूरिज्म अराइवल बढ़ चुका है। जो यूएई सऊदी अरबिया ओमान कतर बहरीन कुवैत में जो इंडियंस है वो लगातार आर्मेनिया छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे हैं। वहां पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे खुल गया, होटल्स खुल गया, सुपरमार्केट्स खुल गया, बहुत सारे खुल गया। तो करीब एक साल पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आर्मेनिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। जो भी मेरे वीडियोज़ देख कर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है आज वो फ़ायदा में उनका फ़ायदा मिल रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आज का टॉपिक में आर्मेनिया में क्या क्या प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट्स है। जैसे बता दिया इंडियंस का पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया है तो इंडियन फूड का काफ़ी डिमांड है। इंडिया से चाहिए राइस, चाहिए इंडिया से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। राइस चाहिए, आटा, राइस, चावल, आपका जो एनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हो गया, रेडी टू ईट फूड हो गया, स्नैक्स हो गया, देन फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, सब कुछ चाहिए इंडिया से। फिलहाल इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है वाया दुबई होकर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दुबई से एक्सपोर्ट चल रही है क्योंकि दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट से, दुबई टू आर्मेनिया डायरेक्ट फ्लाइट से। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे और मैं आपको डिटेल्स में लिस्ट करके बता रहा हूँ, आप देख लीजिए।
मैंने आपको लिस्ट करके बता दिया आर्मेनिया में क्या क्या प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट्स है। ये प्रोडक्ट को आप सोर्स करके इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेडिसिन का काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है आर्मेनिया में, मेडिसिन का रिक्वायरमेंट्स है आपका, ऑल फूड प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर, FMCG प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट्स है, गारमेंट्स का रिक्वायरमेंट्स है, और हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स मेडिकल में जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जितने सारे टेक्निकल प्रोडक्ट चाहिए वो सब रिक्वायरमेंट्स है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट आर्मेनिया अभी इंडिया से भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इम्पोर्ट कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे वेपन्स एंड आपका जो डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है टू आर्मेनिया, और आर्मेनिया एक ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है इंडिया का, और इसलिए आप आर्मेनिया को डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। आर्मेनिया में एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको मैंने दिखा दिया आर्मेनिया का जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट दिखा दिया, list.am जो आपको दिखा दिया list.am, ये हो गया आर्मेनिया का इंपॉर्टेंट साइट है। वहाँ पर आपको ढूंढना है बायर्स ढूंढना है और उसमें जाकर आपको एडवर्टाइजमेंट में करना है, फ्री में पेड में करना है। spure.am दिखा दिया, spure.am उनका येलो पेजेस है, आर्मेनिया का येलो पेजेस है। तो यहाँ spure.am में जाकर आप कंपनी ढूंढ सकते हो, एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो, और list.am ये दोनों साइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों साइड में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ढूंढना है बायर्स ढूंढना है। वहाँ पर काफ़ी सारे आर्मेनियन कंपनीज इंपोर्टर्स एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करके आप इंडिया से उनको एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो आपको न्यूज़पेपर दिखा दिया आर्मेनिया का इंपोर्टेंट न्यूज़पेपर, इसी न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट करिए, आपका ब्लॉग न्यूज़ का एडवर्टाइजमेंट करिए, ऑल्सो आपका जो बैनर एडवर्टाइजमेंट करिए। करने के बाद आपको आर्मेनिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। आर्मेनिया में इंग्लिश नहीं चलता है, आर्मेनियन एंड रशियन दो लैंग्वेज चलता है। तो आपको रशियन लैंग्वेज में अगर मार्केटिंग करना है तो आपका जो yandex.ru vk.ru ये दोनों में आप मार्केटिंग करिए, आर्मेनिया में टारगेट करके मार्केटिंग करिए। yandex.ru और vk.ru में आर्मेनिया को टारगेट करके और आप मार्केटिंग करोगे तो आर्मेनिया से आपको काफ़ी सारे बायर्स मिल जाएंगे, डायरेक्ट बायर्स। आप डायरेक्ट इंडिया टू दुबई, दुबई टू आर्मेनिया एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी आने वाले दिनों में इंडिया टू रशिया नया रूट स्टार्ट हुआ है, इंडिया टू ईरान, ईरान टू अजरबैजान, अजरबैजान टू रशिया एंड अजरबैजान टू ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट हो सकता है फ्रॉम इंडिया। क्योंकि इंडिया टू यूरोप होकर जो शिपमेंट जाता था रशिया, उसमें 35-40 डेज लगता था, एक महीना के ऊपर लगता था। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट दो रूट स्टार्ट किया, इंडिया टू ईरान, ईरान टू अजरबैजान, अजरबैजान टू रशिया, एंड आपका ईस्टर्न कॉरिडोर में इंडिया का आपका जो चेन्नई पोर्ट से डायरेक्ट शिप निकलेगा आपका जो रशिया का ईस्टर्न पार्ट में व्लादिवोस्टोक पोर्ट। तो ईस्टर्न साइड से, वेस्टर्न साइड से, दोनों साइड से आप रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर ईरान होकर स्टार्ट हो जाता है तो ये आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि ईरान का जो आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा ईरान का पोर्ट में, ईरान पोर्ट से जाएगा अजरबैजान, ठीक है। तो ईरान का दो रूट है, एक तो रूट है ईरान आर्मेनिया जॉर्जिया तुर्की वेस्टर्न यूरोप, एक उसका हाईवे है। दूसरा रास्ता है रशिया तक, ईरान देन अजरबैजान देन रशिया, ये एक रूट है। तो अगर आप आगे आर्मेनिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो या इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपका प्रोडक्ट इजीली इंडिया टू ईरान जाएगा, ईरान टू आर्मेनिया, क्योंकि ईरान का नॉर्दर्न पार्ट में आर्मेनिया, वहाँ से नज़दीक है। ईरान का तेहरान से 17-18 घंटे का बाई रोड के द्वारा पहुँच सकते हो, मतलब बाई कार में बस में जाओगे तो तेहरान टू यरेवन आर्मेनिया 15-16 घंटा लगता है। तो ईजिली आपका प्रोडक्ट ईरान होकर एरेवन में पहुंच जाएगा, आर्मेनिया में पहुंच जाएगा। तो ये अच्छा टाइम है, आप अगर आर्मेनिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी बिजनेस आप आर्मेनिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आर्मेनिया में खुद का आपका वेयरहाउस रख सकते हो, आर्मेनिया में खुद का आपका जो शॉप रख सकते हो, सुपरमार्केट रख सकते हो। इंडिया से प्रोडक्ट लेकर आर्मेनिया में आप वेयरहाउस में रख सकते हो, वहाँ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, री एक्सपोर्ट कर सकते हो, लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये एक स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है, क्रिश्चियनिटी कंट्री है, बहुत अच्छा देश है, ब्यूटीफुल कंट्री है, और इंडिया का एक ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडियन प्रो इंडियन है, ठीक है, इंडियन को पसंद करते हैं, और अच्छा कंट्री है, पीसफुल कंट्री है। तो जो प्रोडक्ट दिखा दिया, ये प्रोडक्ट को आप सोर्स करके इंडिया टू आर्मेनिया को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। शिपिंग कंपनी के लिए आप कोगोपोर्ट.com या सीरेट्स.com में ढूंढ सकते हो,
आप शिपिंग कंपनी ज़्यादा करके यूएई बेस्ड शिपिंग कंपनी ऑपरेट करता है, दुबई टू ईरान, तेहरान, देन आर्मेनिया जाएगा। तो आप अगर पूरा शिपमेंट भेजना चाहते हो तो भाया दुबई भेज सकते हो, नहीं तो ब्लैक सी होकर जॉर्जिया जाएगा, जॉर्जिया से आर्मेनिया आएगा, दो साइड से आप भेज सकते हो। फिलहाल आप जॉर्जिया टू आर्मेनिया भेज सकते हो डायरेक्ट पूरा कंटेनर, नहीं तो दुबई टू इंडिया टू दुबई, दुबई टू तेहरान होकर बाई ट्रक के जरिए आर्मेनिया पहुँचा दिया जाएगा। और एयर कार्गो के लिए इंडिया टू दुबई और इंडिया टू दोहा कतर काफ़ी सारे फ्लाइट्स ऑपरेट हो रहे हैं, वहाँ से आर्मेनिया चला जाएगा एयर कार्गो में। तो आप गूगल में जाकर ढूंढ सकते हो एयर कार्गो कंपनीज इन इंडिया ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू आर्मेनिया, तो जो 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 एयर कार्गो कंपनीज मिलेंगे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आर्मेनिया में अगर आपका खुद का बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी आप ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, इम्पोर्ट मतलब प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल करना है रिटेल में, या री एक्सपोर्ट करना है टू ईरान या जॉर्जिया, रशिया को एक्सपोर्ट करना है, तो ये काम भी आप कर सकते हो। आर्मेनिया अभी बेस्ट प्लेस है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आपका खुद का बिजनेस को आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये अच्छा लोकेशन में लोकेटेड है। और आर्मेनियन गवर्नमेंट तुर्की के साथ भी लगातार बातचीत चल रहा है, अगर फ्यूचर में तुर्की के साथ आर्मेनिया में अच्छा हो जाता है कुछ तो फिर इजीली तुर्की भी बड़ा मार्केट है आर्मेनिया टू तुर्की, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। और अगर आप आर्मेनिया में इंपोर्ट करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपका खुद का इंपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी खोल सकते हो, नहीं तो आप आर्मेनिया में खुद का सेल्स मार्केटिंग ऑफिस आप खोल सकते हो, वहाँ लोकली लोगों को अपॉइंटमेंट दे सकते हो, तो वो आप आर्मेनिया में मार्केटिंग करके आपको देंगे, फिर आप इंडिया टू आर्मेनिया डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये भी काम आप कर सकते हो। तो डिटेल्स में बता दिया आर्मेनिया को क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी एक्सपोर्ट आप कर सकते हो और कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, आपको डिटेल्स में बता दिया। उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को सोर्स करके मार्केटिंग करके आप आर्मेनिया को एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।